गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज हम सबसे पहले एक एनसीईआरटी एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल 3.7। और हमने कहा था कि जहां पे हम सिंपली रेजिस्टेंस को सोल्व नहीं कर पाएंगे और रेजिस्टेंस आर्म्स के बीच करंट नहीं निकाल पाएंगे या पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग रेजिस्टेंस के अक्रॉस नहीं निकाल पाएंगे सिंपल फॉर्मूला से, वहां हम किरचॉफ्स रूल की मदद से सर्किट को सोल्व करेंगे। ये जो एग्जांपल 3.7 है ये कुछ वैसा ही है जिसको हम सिंपली सोल्व नहीं कर सकते और सिंपली हम करंट अलग अलग आर्म्स में से या इन सब रेजिस्टेंस में से अलग अलग करंट हम सिंपली नहीं निकाल पाएंगे। यहां हमें किरचॉफ्स रूल यूज करने पड़ेंगे, वहां किरचॉफ्स रूल की मदद से ही यहां हम करंट अलग अलग रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकाल पाएंगे। सो इसमें देखते हैं कि क्या कंडीशन है और कैसे हम किरचॉफ्स रूल अप्लाई कर पाएंगे। ये सर्किट हमारे पास, ये एक डायग्राम दिया हुआ है और इसमें आप देखिए दो हमने बैटरी लगा रखी है, एक है 10 वोल्ट ईएमएफ, एक है 5 वोल्ट ईएमएफ। ये ईएमएफ नहीं है, ये पॉइंट है ई, इस पॉइंट को हमने नाम ई दे दिया है, जैसे इसको डी, इसको सी, बी, ए, इस तरह से। सो ये ई है, ईएमएफ नहीं है, इसको मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूं। सो इन दोनों बैटरीज के कारण यहां पे करंट फ्लो होगा, उस करंट का आप नाम मान लीजिए। पहले हम देखते हैं ये जो 10 वोल्ट बैटरी है, इस 10 वोल्ट बैटरी के कारण करंट फ्लो होगा और हमने उस करंट का नाम दिया I1। सपोज कर लीजिए कि I1 करंट यहां से निकलता है इस बैटरी, फर्स्ट बैटरी से, जिसकी ईएमएफ 10 वोल्ट है। ये I1 करंट जैसे ही ए पे पहुंचेगा ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, इधर जो पार्ट गया करंट का उसका हमने नाम दिया I2। सो ऑब्वियसली यहां जो बच गया होगा इस तरफ ये बचा होगा I1 माइनस I2, ये आया I1 माइनस I2, ये नीचे वाले में आ गया है। उसके बाद इस 5 वोल्ट बैटरी से भी एक करंट फ्लो होगा और उस करंट को हमने नाम दिया I1 और I2, तो हम यहां यूज कर चुके हैं, यहां हम इसका नाम देंगे I3। और करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है तो यह करंट इस तरफ आएगा, इसका हमने नाम दिया I3। जैसे ही यह I2 यहां पहुंचेगा बी पे और यह I3 यहां पहुंचेगा, ये दोनों मिलेंगे और ये दोनों मिलके इस 2 ओम रेजिस्टेंस में से फ्लो होंगे और नीचे की तरफ आएंगे। इसका मतलब अब यहां करंट आ रहा है I2 प्लस I3। पहले हम मान रहे हैं कि करंट इतना है, इनकी वैल्यू कितनी है वो हम बाद में निकालेंगे। अब ये I2 प्लस I3 C पे आ गया है। C पे आते ही अगर हम किरचॉफ्स फर्स्ट रूल की बात करें तो वो कहता है कि जितना करंट निकल रहा है उतना ही एंटर भी करेगा। अगर I1 करंट बैटरी ने दिया तो एंटर भी I1 करेगा, इसका मतलब इस तरफ जो करंट आएगा वो I1 आएगा। यहां तो करंट I2 प्लस I3 ही आ रहा था, उसमें से अगर I1 इधर चला गया तो इधर कितना बचा होगा, I2 प्लस I3 माइनस I1। इस I2 प्लस I3 में से हमने I1 को माइनस कर दिया है तो ये करंट नीचे की तरफ आएगा। इधर से करंट आ रहा था I1 माइनस I2, जैसे ही डी पे पहुंचेगा ये I2 प्लस I3 माइनस I1 और ये I1 माइनस I2 आके मिलेंगे। इस बैटरी से I3 करंट निकल रहा था तो एंटर भी I3 ही करेगा। और आप देख लीजिए जब आप इन दोनों का सम करोगे तो I1 नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, खत्म, कैंसिल आउट करेंगे। I2 पॉजिटिव, I2 नेगेटिव, एक दूसरे को कैंसिल आउट, सिर्फ I3 बचेगा और वो I3 इधर जाएगा ऊपर की तरफ।
सो ये करंट हमने मान लिए हैं I1, I2, I3। ये तीन अननोन करंट इस पूरे सर्किट में फ्लो हो रहे हैं और इन तीनों करंट की वैल्यू हमें निकालनी है। अगर ये तीनों करंट हमारे पास आ गए हैं तो फिर हम इजीली यहां से इन सब रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना करंट है वो भी बता पाएंगे। सो इन तीन अननोन करंट को निकालने के लिए हमारे पास तीन ही इक्वेशन आएंगी किरचॉफ्स रूल से। सो हम सबसे पहले किरचॉफ्स रूल लगाते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज रूल लगाएंगे, मतलब किरचॉफ्स सेकंड रूल जो था हमारे पास वो हम यहां अप्लाई करेंगे और वो क्लोज पाथ में ही अप्लीकेबल है। सो इस सर्किट में हम तीन क्लोज पाथ लेंगे और तीनों में उसको लगाएंगे तो तीन इक्वेशन हमारे पास आएंगी और तीन ही अननोन है तो तीन इक्वेशन तीन अननोन हम वहां से निकाल पाएंगे। सबसे पहले हम किरचॉफ्स वोल्टेज रूल अप्लाई करेंगे इस क्लोज लूप पे ए सी बी ए। सो किरचॉफ्स वोल्टेज रूल, इसको हम केवीएल नाम दे देते हैं, केवीएल एट ए सी बी ए। इस क्लोज पाथ पे, इस क्लोज लूप पे हमने किरचॉफ्स वोल्टेज रूल लगाया। मैंने कहा था कि आप कहीं से भी चलिए, किसी भी पॉइंट से चलिए, वापिस आना आपको वहीं पड़ेगा। सो हम ए से चलेंगे और वापिस ए पे ही आएंगे। आपकी चॉइस है, आप ऐसे चलिए या आप ऐसे चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम ऐसे चलेंगे सो ए से चलेंगे पहले सी पे, जैसे ही ए से आगे बढ़ेंगे ये बैटरी आएगी और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमारे सामने, तो हम यहां लिखेंगे प्लस 10 वोल्ट। आगे आएंगे ये 1 ओम रेजिस्टेंस I1 करंट, लेकिन हम जा रहे हैं करंट से अपोजिट, करंट ऐसे हम ऐसे, तो यहां माइनस साइन यूज करेंगे और हम लिखेंगे माइनस I1 और 1 ओम रेजिस्टेंस, तो यहां केवल I1 बचेगा क्योंकि R की वैल्यू 1 ओम है तो I1 बच गया है हमारे पास। C से जाएंगे B पे और यहां से जब C पे B पे पहुंचेंगे तो आप देखिए यहां भी हमारी और करंट की डायरेक्शन अपोजिट, तो यहां भी माइनस I2 प्लस I3 और साथ में है 2 ओम रेजिस्टेंस, ये हो गया है। बी से पहुंचकर फिर ए पे आएंगे तो यहां भी करंट और हमारी डायरेक्शन अपोजिट, सो माइनस I2 और साथ में रेजिस्टेंस है 4 ओम, तो हम इसको लिखेंगे 4I2 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। सेकंड, हम यही केवीएल, यही किरचॉफ्स वोल्टेज रूल लगाएंगे, लेकिन अब की बार इस क्लोज लूप पे ACDA, इस पे हम लगाएंगे। सो एट ACDA, इस पे जब हम लगाएंगे, यहां भी आप ऐसे ही चल लीजिए, ए से सी पे, सी से डी पे, डी से ए पे, ऐसे चलेंगे तो भी वही आएगी और ए से डी, डी से सी, सी से ए पे आएंगे तो भी वही बात आएगी। चलो अब की बार हम ए से डी पे जाते हैं, डी से सी पे और सी से ए पे। सो ए से चलेंगे, डी पे पहुंचेंगे तो 4 ओम का रेजिस्टेंस और I1 माइनस I2 करंट, सो यहां हम लिखेंगे I1 माइनस I2 इंटू 4 ओम का है रेजिस्टेंस, सो 4I1 माइनस I2 और सेम डायरेक्शन हमारी करंट की भी सेम डायरेक्शन, तो पॉजिटिव साइन। डी से जाएंगे सी पे, लेकिन अब की बार करंट की और हमारी डायरेक्शन अपोजिट, तो यहां आएगा माइनस, रेजिस्टेंस है 2 ओम और करंट इसमें से फ्लो होता है I2 प्लस I3 माइनस I1। सी से जाएंगे ए पे, तो यहां हमारी और करंट की डायरेक्शन सेम, सो I1 1 ओम का रेजिस्टेंस है तो उसको हमने छोड़ दिया और
यहां जैसे ही बैटरी पे पहुंचेंगे तो नेगेटिव टर्मिनल, तो यहां लिखेंगे माइनस 10 इक्वल्स टू जीरो। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन। थर्ड जो हम केवीएल लगाएंगे वो हम लगाएंगे बी सी डी ई बी इस क्लोज लूप पे, और इसका नाम है एट बी सी डी ई बी। इस पे जब हम लगाएंगे तो यहां बैटरी है 5 वोल्ट की, आप बी से चलिए चाहे ई से चलिए चाहे डी से चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जहां से चलेंगे आएंगे वापस वहीं। सो हम यहां से चलते हैं बी से, और बी से चलेंगे तो देखिए 2 ओम का रेजिस्टेंस और उसमें से I2 प्लस I3 करंट। सो हम लिखेंगे 2 इंटू I2 प्लस I3। सी से आएंगे डी पे, सो इसमें जो करंट है और हमारी डायरेक्शन सेम है तो यहां प्लस साइन आता रहेगा, प्लस 2 ओम साथ में I2 प्लस I3 माइनस I1। और डी से अब पहुंचेंगे ई पे, सो यहां जैसे ही पहुंचेंगे हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का, तो ये बनेगा माइनस 5 इक्वल्स टू जीरो, और ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन। ये तीन इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं। इन तीनों इक्वेशन की मदद से ही हम I1, I2 और I3 तीनों की वैल्यू निकाल पाएंगे। ये तीन इक्वेशन है, ये आप खुद सोल्व करेंगे। जो I1, I2, I3 की वैल्यू है वो मैं वैल्यू लिख रहा हूं, सो वो वैल्यू आएंगी हमारे पास ऑन सोल्विंग दीज इक्वेशन। वी गेट I1 इक्वल्स टू 2.5 एम्पियर। I1 की वैल्यू 2.5 एम्पियर, I2 की वैल्यू 5/8 एम्पियर, और I3 की वैल्यू 15/8 एम्पियर। ये तीन करंट हमें चाहिए थे, और यही तीन करंट हमने किरचॉफ्स सेकंड रूल से यहां निकाल दिए हैं। और आप देख लीजिए कि ये वैसे सिंपली सोल्व नहीं हो सकता है, इसी कारण से हमने यहां किरचॉफ्स रूल अप्लाई किए, और किरचॉफ्स रूल से हमने इस I1, I2 और I3 की वैल्यू निकाल दी है। अब यहां पे अगर अलग अलग रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमसे करंट पूछ लिया जाए तो हम वो करंट भी बता पाएंगे। आप देख लीजिए इस 4 ओम के अक्रॉस I2 करंट है, और I2 की वैल्यू 5/8, इसका मतलब 4 ओम में से 5/8 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। इस 1 ओम रेजिस्टेंस में से I1 करंट फ्लो होता है, I1 की वैल्यू है 2.5 एम्पियर, तो यहां हम इस 1 ओम के एक्रोस करंट भी निकाल सकते हैं और उसकी वैल्यू 2.5 एम्पियर। अब हम हर रेजिस्टेंस के एक्रोस करंट निकाल चुके हैं, और रेजिस्टेंस तो पता ही है उसकी कितनी वैल्यू है, तो रेजिस्टेंस भी पता है करंट भी पता है। अब सिंपली ओम्स लॉ से हम हर रेजिस्टेंस के एक्रोस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वो भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये तब निकाल पाए हैं जब किरचॉफ्स रूल लगा के हम ये करंट की वैल्यू निकाल पाए, तब, अदरवाइज ये इतना आसान नहीं होता। अब इस किरचॉफ सेकंड रूल को अगर हम वेरीफाई करें, जिसके अकॉर्डिंग ये था कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी क्लोज पाथ इज जीरो, ये किरचॉफ सेकंड रूल कहता है। यही चीज हम यहां देखते हैं। आप किसी भी क्लोज पाथ में देख लीजिए, आप पाएंगे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। मान लो इस क्लोज पाथ ए बी ई डी ए, इसकी अगर हम बात करें, सो ये क्लोज पाथ ए बी ई डी ए, इसमें हम पाएंगे कि ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है
चेंज इन पोटेंशियल वो जीरो रहेगा, पोटेंशियल चेंज नहीं होगी। सो आप देख लीजिए, हम ए से चलते हैं, जब हम ए से चलेंगे और बी पे पहुंचेंगे तो आप पाएंगे कि आई टू करंट 4 ओम रेजिस्टेंस है, सो पोटेंशियल आएगी आई टू इंटू 4। आई टू की वैल्यू है आई टू इंटू 4। चलो पहले लिख लेते हैं, बी से आएंगे ई पे और यहां बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, सो प्लस 5 वोल्ट, ये भी वोल्ट ही बन गया है। डी पे आएंगे, डी से जैसे ही ए पे पहुंचेंगे, सो आई वन माइनस आई टू इंटू 4 ओम, सो यहां लिखेंगे। और यहां अब की बार जो साइन आएगा वो साइन आएगा माइनस का, क्योंकि हम अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। सो माइनस आई वन माइनस आई टू और रेजिस्टेंस है 4 ओम, हम पहुंच गए हैं वापस। अब ये वैल्यूज आप पुट करिए, और जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आप पाएंगे कि ये जीरो के बराबर आएगा। I2 की वैल्यू है हमारे पास 5 अपॉन 8 इंटू 4 प्लस 5 वोल्ट माइनस 4। I1 की वैल्यू 2.5, I2 की वैल्यू 5 अपॉन 8, ये हमारे पास आ गया है। अब यहां से आप इसे सोल्व करिए, और जब आप सोल्व करेंगे सो ये बनेगा 5 प्लस 5 माइनस 4, इसे जब आप सोल्व करोगे तो ये बनेगा 150 अपॉन 80, ये जीरो कैंसिल आउट, ये 2, सो ये हमारे पास 5 अपॉन 2 प्लस 5 माइनस 15 अपॉन 2, इसे आप सोल्व कर लीजिए, आपके पास जीरो आएगा। और यही चीज हमें प्रूव करनी थी कि जो चेंज आया है, टोटल चेंज इन पोटेंशियल इन ए क्लोज पाथ मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो, और वो जीरो के बराबर ही आया है। सो यहां से हमने किरचॉफ सेकंड रूल को वेरीफाई भी कर दिया है। ये था हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पल 3.7। अब आगे चलते हैं हम, जो हमारा टॉपिक है आज का, उसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज देख लिए, एक अरेंजमेंट है 4 रेजिस्टेंस की, और वो कुछ इस तरह से अरेंज किए हुए हैं कि वहां एक ब्रिज फॉर्मेशन होती है, इसीलिए हमने इसका नाम दिया व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन उस फिजिसिस्ट का नाम है जिन्होंने इसको इन्वेंट तो और किसी ने किया है, लेकिन इसको मॉडिफाई किया है बाद में व्हीटस्टोन ने, इसीलिए हमने इसका नाम रखा व्हीटस्टोन ब्रिज। सो इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ फोर रेजिस्टेंस, इसे आप सोल्व कर लेना और ये जीरो के बराबर आएगी। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ फोर रेजिस्टेंसेस इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज, इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज which is used for measuring unknown resistance। इन 4 resistance में से एक resistance हमारा unknown resistance होगा, और उसी unknown resistance को हम निकाल पाएंगे इस Wheatstone Bridge principle की मदद से। अब यहां पे ये 4 resistance हमने ले रखे हैं, अगर मैं इसको हटा दूं, सो आप देखिए ये 4 रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, R4।
ये चार रेजिस्टेंस हमने लगाए और इनके एक्रोस ये जो पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, ये चार पॉइंट्स हैं। अब यहां पे इस ए और सी के बीच हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी है और इसी कारण से ये जो एसी आर्म हमारे पास बनी, एसी ये आर्म बनेगी बैटरी आर्म। सो एसी इज बैटरी आर्म और ये जो दो पॉइंट्स हैं ये जो डायगोनल अपोजिट हैं, ए सी भी डायगोनल अपोजिट से, बी और डी भी, इस बी और डी के बीच में हमने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया और इसी कारण से इस बीडी को हमने नाम दिया गैल्वेनोमीटर आर्म। बीडी इज गैल्वेनोमीटर आर्म, ये हमारे पास अरेंजमेंट है। अब जैसे ही हमने ये बैटरी कनेक्ट की, सो इस बैटरी के कारण यहां करंट फ्लो होगा और नॉर्मल कंडीशन में यहां इस पूरे सर्किट में करंट फ्लो होगा, इन सब रेजिस्टेंस में से भी फ्लो होगा एज वेल एज इस ये जो गैल्वेनोमीटर आर्म है इसमें से भी करंट फ्लो होगा नॉर्मल कंडीशन में। यहां पे हम मान के चलते हैं कि I1 करंट इसमें से फ्लो होगा, I2 करंट इसमें से, इस R4 में से I3 करंट और इसमें से I4 करंट। सो यहां पे इन नॉर्मल कंडीशन करंट विल फ्लो, फ्रॉम ऑल रेजिस्टेंस एज वेल एज गैल्वेनोमीटर आर्म, इस गैल्वेनोमीटर आर्म में से भी करंट फ्लो होगा। लेकिन जो चीज हमें यहां से गेन करनी है, जो हमें चाहिए यहां से, वो ये है कि ये ब्रिज बैलेंस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। बैलेंस कंडीशन का मतलब ये है कि यहां पे R2 अपॉन R4 और R1 अपॉन R3 ये जो रेशियो है रेजिस्टेंस का ये बराबर होना चाहिए। अगर ये रेशियो बराबर है तो यहां इस गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि इन B और D के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहेगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस B और D के बीच जीरो, तो गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। सो ये जो कंडीशन है वो ये आएगी हमारे पास, बट फॉर आवर इंटरेस्ट जो चीज हमें यहां से चाहिए, इंटरेस्ट इन कंडीशन ऑफ ब्रिज बैलेंस, इन कंडीशन ऑफ बैलेंस ब्रिज there is no current, in galvanometer arm, इस galvanometer arm में से कोई current नहीं होगा। इसका मतलब जो current यहां से आ रहा है वो current सीधा यहां चला जाएगा, इसके अंदर कुछ भी नहीं जाएगा। अब यहां पे देखिए कि जो बैलेंस ब्रिज की कंडीशन है वो कंडीशन क्या है और कैसे हम उसे गेन कर पाएंगे, और उसी बैलेंस ब्रिज की कंडीशन से इन चार रेजिस्टेंस में से एक जो अननोन रेजिस्टेंस है उसे हम निकाल पाएंगे। यहां इस R4 को इसने नाम दिया है अननोन रेजिस्टेंस, इसको हम मान के चले हैं कि ये अननोन रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू हमें यहां से चाहिए। और
और ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल भी हमारी मदद करेगा रेजिस्टेंस नेटवर्क को सोल्व करने के लिए। ये वहां अप्लीकेबल होगा जहां हमारे पास पांच रेजिस्टेंस होंगे, उन पांच में हम ये व्हीटस्टोन ब्रिज अप्लाई कर सकते हैं, और वहां से पांच में से हम पाएंगे कि एक जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस को हम हटा देंगे, क्योंकि उस रेजिस्टेंस यहां जो गैल्वेनोमीटर है उस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, तो हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे। अब गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट नहीं, तो इस आर्म में जो रेजिस्टेंस है उसमें से भी कोई करंट नहीं, सो चार में से ये जो रेजिस्टेंस था या गैल्वेनोमीटर बोल लीजिए वो हट जाएगा, चार ही रेजिस्टेंस हमारे पास बचेंगे, तो फिर हम उसे सोल्व कर पाएंगे। ये जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो हम बताएंगे कि कैसे सोल्व होगा। सो देयर इज नो करंट इन गैल्वेनोमीटर आर्म। अब यहां अगर हम किरचॉफ्स फर्स्ट रूल की बात करें, जो किरचॉफ्स फर्स्ट रूल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को सपोर्ट करता है, इसका मतलब वो कहता है कि चार्ज एक्युमुलेट नहीं होता है, चार्ज चलता ही रहता है, एक जगह जमा नहीं होता है। सो जितना आ रहा है किसी पॉइंट पे उतना ही उस पॉइंट से जा भी रहा है, सो चार्ज एक्युमुलेट नहीं हो रहा है, और यही कंडीशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की है। अगर चार्ज उतना ही आ जा रहा है तो करंट भी उतना ही आ जा रहा है। अगर इस आर्म में आई वन करंट है और यहां कुछ भी जमा नहीं हो रहा, ना इस तरफ जा रहा, तो ऑब्वियसली ये आई वन करंट यहां चला गया होगा। इसका मतलब आई फोर और आई वन बराबर हैं, क्योंकि यही करंट तो यहां जा रहा है, इस गैल्वेनोमीटर आर्म में से तो कोई करंट आ ही नहीं रहा। सो किरचॉफ्स फर्स्ट रूल से, फ्रॉम किरचॉफ्स करंट रूल, इसको मैं केसीएल नाम देता हूं, आई वन इक्वल्स टू आई फोर, I1 equals to I4। Similarly, I2 यहां से जा रहा है, I3 यहां, तो I2 भी I3 के बराबर ही होगा। I2 equals to I3। ये हमारे पास आ गई है। अब यहां पे हम इन दो क्लोज पाथ में A, B, D, A और बी सी डी बी, इन दोनों में किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई करेंगे और वहां जो इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन हम निकालते हैं। सो देखिए, इन क्लोज पाथ और इन क्लोज लूप, क्योंकि किरचॉफ सेकंड रूल क्लोज लूप पे ही अप्लीकेबल है, ए बी डी ए, ए बी डी ए एंड सेकेंड क्लोज लूप बी सी डी बी, बी सी डी बी। अगर ए बी डी ए की बात करें तो ए से चलेंगे वापिस ए पे ही पहुंचेंगे, चाहे ऐसे चलिए चाहे ऐसे चल के ऐसे आइए, कोई मैटर नहीं है, सेम चीज है। सो हम यहां से चलते हैं, पहले आई वन आर वन, सेम डायरेक्शन तो पॉजिटिव, आई वन आर वन ये पॉजिटिव आएगा। डी से आएंगे बी पे, कोई करंट नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, हम ये मान के चले हैं कि इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है, इंटरनल रेजिस्टेंस इज जीरो, ये जो सोर्स है करंट का उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है। सो यहां पे इस क्लोज लूप में हमने आई वन आर वन लिखा, अब बी से आएंगे ए पे, सो यहां करंट और हमारी डायरेक्शन अपोजिट, तो साइन आएगा माइनस आई टू आर टू और इक्वल्स टू जीरो, ये हमारे पास आ गई है। सेकंड बी सी डी पे अगर हम बात करें, सो बी से जाएंगे सी पे, आई थ्री आर फोर, आई थ्री आर फोर, हमारी और करंट की डायरेक्शन सेम, तो साइन पॉजिटिव। सी से पहुंचेंगे डी पे, डायरेक्शन और हमारी करंट और हमारी डायरेक्शन अपोजिट, तो साइन लगेगा नेगेटिव, आई फोर आई थ्री इक्वल्स टू जीरो। अब यहां से आई थ्री को आप आई टू लिख सकते हैं
और I4 को आप I1 लिख सकते हैं, ये हम देख ही चुके हैं पहले। सो इसमें हम लिखेंगे I3 की जगह I2 लिखेंगे तो बनेगा I2R4 माइनस, I4 की जगह I1 लिखेंगे तो आएगा I1R3 इक्वल्स टू 0। ये आ गई है। यहां से आप I1 अपॉन I2 की वैल्यू निकाल लीजिए, I1R1 इक्वल्स टू I2R2, और यहां से भी I1R3 इक्वल्स टू I2R4। I1 अपॉन I2 आएगा R2 अपॉन R1, और यहां से I1 अपॉन I2 आएगा R4 अपॉन R3। दोनों में लेफ्ट हैंड साइड I1 अपॉन I2 है, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम, तो इक्वेट कराएंगे तो राइट हैंड साइड भी सेम ही आएगी। यहां से हमें मिलेगा R2 अपॉन R1 R4 अपॉन R3। थोड़ा सा इसको अरेंज करें तो हम लिख पाएंगे R2 अपॉन R4 इक्वल्स टू R1 अपॉन R3। ये जो कंडीशन आई है, दिस इज दी कंडीशन ऑफ बैलेंस ब्रिज। ये जो हमने कहा था कि बैलेंस ब्रिज हम मान के चलें, जिसमें इस आर्म में से, इस गैल्वेनोमीटर आर्म में से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो उसे हम बैलेंस ब्रिज की कंडीशन मानेंगे। और बैलेंस ब्रिज की कंडीशन ये है, ये रेशियो रेजिस्टेंस का बराबर होगा तो हम बोलेंगे कि ब्रिज इज बैलेंस्ड, अदरवाइज ब्रिज इज नॉट बैलेंस्ड। और इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो हम यूज करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। साथ में इसका जो हम यूज करेंगे वो एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए करेंगे। यहां चार रेजिस्टेंस है, चार में से अगर एक अननोन रेजिस्टेंस हमारे पास है तो हम उस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकाल पाएंगे। यहां अननोन रेजिस्टेंस हमने R4 माना है। सो फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस R4। अननोन रेजिस्टेंस R4 कैसे निकाल पाएंगे? भाई जो चाहिए उसको एक तरफ रखिए, बाकी सबको एक तरफ। R4 चाहिए, इसको इस तरफ लेके जाइए, ये R2 मल्टीप्लाई कराइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कहने का मतलब, और R4 को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ, तो ये बनेगा R2 R3 अपॉन R1 इक्वल्स टू R4। अगर R2 पता है, R3 पता है, R1 पता है, तो हम R4 जो कि अननोन रेजिस्टेंस था वो हम निकाल पाएंगे। कब निकाल पाएंगे? जब ब्रिज बैलेंस होगा। ब्रिज बैलेंस की कंडीशन ये है कि इन रेशियो की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, रेजिस्टेंस रेशियो बराबर होने चाहिए। ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बात की, और वो एग्जाम्पल 3.7। सो इस तरह के एग्जाम्पल आप और अपनी तरफ से भी देख सकते हैं और उनमें KVL KCL लगा के उन्हें सोल्व कर सकते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज पे एग्जाम्पल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक आप इसको करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।